बड़वानी के पोस्ट ऑफिस की लापरवाही। पान दुकानों से बिक रहे वो आधार कार्ड जिन्हें पोस्ट ऑफिस को संबंधित तक पहुंचाने थे, वो आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस की लापरवाही से एक पान दुकान से बिक रहे जिनके आधार कार्ड है, बकायदा उनको मोबाइल लगाकर और अवैध राशि लेकर उन्हें दिए जा रहे। यह गोरख धंधा बड़वानी में खूब फल फूल रहा है। वहीं प्रशासन धतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है। वहीं पोस्ट ऑफिस के हेड पोस्ट मास्टर हरिशंकर यादव ने कहा, जब कोई पोस्ट मास्टर छुट्टी पर रहता है तो उसकी जगह पर अन्य व्यक्ति को डाक बांटने के लिए रखा जाता है। कोई शर्मा नामक व्यक्ति जिसे हमने रखा था, वो आधार कार्ड अपने पास रख लिए है, जो लोगों से रुपये लेकर संबंधित को दे रहा है। विभाग उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम आदमी का महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी है कि आम जनों तक उसे पहुंचाए, परंतु अधिकांश लोगों को ओरिजिनल पोस्ट कार्ड नहीं मिलता है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार के गोरख धंधे के कारण ही उन लोगों तक आधार कार्ड नहीं पहुँच रहा है, जिससे आम जन परेशान होते हैं। मेरा नाम कमलेश है और कहाँ रहते हो आप? मैं यही ग्राम बंधान से हूँ। क्या फोन आया था, किसने फोन लगाया था और क्या घटना? किसी शर्मा सर नाम से फोन आया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी मिसेज का आधार कार्ड अपडेट करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि घर पे पोस्ट के थ्रू आ जाएगा आधार कार्ड, लेकिन आज दोपहर में किसी शर्मा सर नाम से सर ने फोन किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पुराने मटन मार्केट के पास एक पान की दुकान है, हाँ, वहाँ पर मैं रख के जा रहा हूँ, आप वहाँ से ले लीजिएगा। जब मैं वहाँ गया तो उन लोगों ने मुझसे 30 से 50 रुपये मांगे कि उन्होंने उनके पास बहुत सारे आधार कार्ड रखे हुए हैं, यानी कि कहे जाए तो आधार कार्ड की गड्डियाँ रखी हुई है। और जब मैंने उनसे पूछा कि सबसे लेते हो, तो उन्होंने कहा हाँ सभी देते हैं 30 रुपये अलग से। तो मुझे लगता है कि ये गलत है और जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। सर क्या नाम है और किस पद पे हो आप? मेरा नाम उच्चेश यादव है, मैं पोस्टमास्टर करता हूँ। सर ये एक शिकायत मिली है सर, पान दुकान से आधार कार्ड 30-40 रुपये में एक व्यक्ति बेच रहा है। सर ये जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस की थी डाक देने की, सर क्या कहाँ गड़बड़ी हुई है सर इसमें? ऐसी गड़बड़ी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बताएं किस व्यक्ति के द्वारा पैसे मांगे गए या पान दुकान पे दिए गए? ये रोटी शिव मंदिर का था पान दुकान, ऑडियो भी आपको सुनाया है। अच्छा, वो एक्चुअल में शर्मा है, हाँ हमारे आउटसाइडर के रूप में कार्य करते, जब विभाग में पोस्ट में वगैरह छुट्टी पे जाते हैं, हाँ और विभाग के पास पोस्ट में की व्यवस्था नहीं रहती, तो उस कंडीशन में बाहरी व्यक्ति को रखा जाता है। सर ये हो सकता है इस दरमियान उसने कोई आधार कार्ड अपने पास रख लिया तो उसका दुरुपयोग हो रहा। सर वही कस्टमर को फोन लगा के बुलाया जाता है और फिर उनसे पेमेंट लिया जाता है 40 रुपये। मेरे द्वारा वीडियो देखा गया था तो उसमें क्या क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जैसे क्लियर हुआ है तो आप कुछ कार्रवाई करोगे इस संबंध में? जी विभाग उसके लिए बिल्कुल कार्रवाई करेगा, वरिष्ठ अधिकारी को मैंने संज्ञान में ला दिया है। जी हमारे जो खास रहते हैं उनको बोलते हैं, तो वहाँ तो बहुत सारे आधार कार्ड पड़े पान की गुमटी पे। हाँ तो वो फोन लगाते रहते हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास ऐसा। हाँ कभी फील्ड में जाते हैं, फील्ड में भी दे देते हैं। तो आप क्या अभी पोस्ट ऑफिस में हो कि? नहीं हम प्राइवेट बांटते हो। प्राइवेट बांटते तो आपको देता कौन है फिर वहाँ से? आउटसाइडर है हम। नहीं नहीं आपको देता कौन है फिर वहाँ से? हम वही पोस्ट ऑफिस से ही। पोस्ट ऑफिस से कौन देता है? अरे मैं हो काम ही करता ना, मैं इधर की बांटता भी हूँ। तो ये पोस्ट ऑफिस वाले ही देते हैं आपको ना? आओ आओ चलो ठीक आओ। अरे आओ, आओ चलो आ जाओगे ना फिर मैं निकलूँ? बस आता हूँ थोड़ी देर। आओ ले जाना, नहीं नहीं यहाँ से जा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आप तो निकलो, वहीं दे जाना, मैं आ रहा हूँ। आओ मैं गुटका लेके ना उधर ही जा रहा हूँ। क्षेत्रीय राठौर समाज के गरबा उत्सव में शामिल हुए नगर पालिका अध्यक्ष और थाना प्रभारी। क्षेत्रीय राठौर समाज बड़वानी के द्वारा समाज की धर्मशाला में प्रथम बार आयोजित नवदुर्गा उत्सव के तहत आयोजित महागरबा रास आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री लक्ष्मण चौहान नगर पालिका अध्यक्ष बड़वानी एवं श्री राजेश यादव थाना प्रभारी बड़वानी सम्मिलित हुए। दोनों को अतिथियों द्वारा आयोजन की सराहना की और राठौर समाज बड़वानी को किसी भी प्रकार की आवश्यकता के लिए हर संभव सहायता करने के संबंधित आश्वासन दिए। अतिथियों का स्वागत अशोक राठौड़, कमलेश राठौड़, प्रमोद राठौड़, राजेश राठौड़ बोकराटा आदि के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन जगदीश राठौड़ एवं आभार प्रदर्शन जितेंद्र राठौड़ ने व्यक्त किया। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी राजेश राठौड़ ने दी। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।